एरर डिटेक्शन के पास पेपर के सवाल आई लुक अप, अगर यहाँ तक गलती है तो ए, आफ्टर द ब्लास्ट यहाँ तक गलती है तो बी, ऑफ लाइट इनवेलप द पार्क यहाँ तक गलती है तो सी। अब देखो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है आई लुक अप आफ्टर द ब्लास्ट, तो अगर आफ्टर द ब्लास्ट है तो लुक नहीं बल्कि लुक्ड होना चाहिए, यानी एरर है ऑप्शन ए में, या लुक की जगह क्या आना चाहिए था, लुक आना चाहिए था। आई वॉन्ट यू टू यहाँ तक अगर गलती है तो ए, राइट एन एसे विच विल बी यहाँ तक गलती है तो बी, इंक्लूड इन द जर्नल। तो देखो आई वॉन्ट यू टू, टू के बाद वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आती है, राइट बिल्कुल है, एन एसे विच विल बी इंक्लूड इन द जर्नल। अब देखो बी बी ओ बी नो बी ओ एम ओ इज ओ आर ओ वॉज ओ वर ओ, इनके बाद या तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है जीरन यानी आईएनजी अगर सेंटेंस एक्टिव है, और अगर सेंटेंस पैसिफाइड है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म नहीं आती। तो आपको तो सिर्फ एरर बताना है ना, तो हम कह सकते हैं कि जी सी आंसर है, ये सोचने की जरूरत नहीं है कि इंक्लूडेड है या इंक्लूडिंग है, लेकिन चूँकि अभी पेपर नहीं है, ठीक है, वैसे तो पेपर का सवाल है, इसलिए रूल देखें कि भाई चूँकि ये पैसिफाइज है, पैसिफाइज कैसे हो रहा है, ऐसे खुद इंक्लूड नहीं हो रहा, उसको किया जा रहा है जर्नल में, तो पैसे है, इसलिए यहाँ क्या होना चाहिए था, इंक्लूडेड होना। सेवरल ग्रेट बैटल्स टुक प्लेस अमंग द ब्रिटिश एंड द अमेरिकन्स, सेवरल ग्रेट बैटल हुई टुक प्लेस अमंग, अमंग कहाँ से आ गया, बात सिर्फ दो नेशन की हो रही है, द ब्रिटेंस एंड द अमेरिकन्स, तो अमंग की जगह क्या होना चाहिए, ब्रिटेन होना चाहिए। फिर कह रहे हैं इन पर्सनिफिकेशन यानी शख्सियत, इन एनिमेट बेजान ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं, बिल्कुल आ गया, एन एब्स्ट्रैक्ट नेशन जिनका कोई ताल्लुक हो आपस में, और स्पोकन होफ हैज़ लाइफ एंड इंटेलिजेंस। अब देखो लाइफ एक नाउन है, एंड के बाद भी एक नाउन चाहिए जो कि इंटेलिजेंस है, ये सेंटेंस इस वक्त बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन एक बार पेपर में यहाँ लाइफ एंड इंटेलिजेंट दिया तो वहाँ गलती है, क्योंकि इंटेलिजेंट तो एक एडजेक्टिव होता है, हमें नाउन चाहिए, तो सूरत में इंटेलिजेंट को हटा के इंटेलिजेंस हम ले आते हैं। अभी इस सूरत में ये सेंटेंस करेक्ट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, नो एरर।